हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन। में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल सिचुएशंस, जिसमें हमने लास्ट के लेक्चर में व्हाट टू डू ड्यूरिंग द इंटरनेशनल कम्युनिकेशन डिस्कस किया था। व्हेनेवर यू कम्युनिकेट आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू मस्ट डू सो दैट यू कैन मेक योर कम्युनिकेशन मोर एंड मोर इफेक्टिव। ठीक है, इन विच वी हैव डिस्कस्ड नंबर द पॉइंट्स। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ योर कम्युनिकेशन। जब भी आप कोई किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चाहे आप इंटरनेशनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चाहे आप विद इन द कंट्री कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, then your communication must be use certain principles, okay, and communication must be effective so that you can achieve your communication objective and do the business practices in very effective way, okay. In the present requirement, in the present scenario, communication play most important role. It is play as a role of the backbone of the organizations. तो कम्युनिकेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की में एक तरीके से बैकबोन की तरह काम करता है, ठीक है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल नहीं है या नहीं होते हैं, तो वहाँ हमेशा कंफ्यूजन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और जिसका पूरा इफेक्ट एंटायर ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल यू हैव टू यूज सो यू कैन परफॉर्म योर बिजनेस प्रैक्टिसेस इन वेरी इफेक्टिव वे, बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंड एंड कनेक्टेड विद अदर पर्सन। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो, देन मैनी टाइम यू हैव टू मेक अ कम्युनिकेशन विद द अदर पर्सन सो दैट यू कैन परफॉर्म योर फंक्शंस एंड योर वर्क इन अ प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट वे, ओके। ऐसे कि एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन, और इसी तरीके से कम्युनिकेशन इन बिटवीन इन एंटायर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो वहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स होंगे तो इजीली आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, एज वेल एज एवरी पर्सन हु आर एंगेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस हैव टू फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स सो दैट दे कैन मेक देयर कम्युनिकेशन मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडेबल टू द अदर पर्सन ऑल्सो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अब जो सेकेंड पार्टी है जिसको आप कम्युनिकेशन प्रोसीड कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, इजीली वो मैसेज को अंडरस्टैंड कर सकता है और उसको समझ सकता है, ठीक है, एंड अगेन आपको फीडबैक दे सकता है। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस और कम्युनिकेशन साइकिल्स, ओके। सो नाउ व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए व्हेनेवर यू कम्युनिकेट इन द कंट्री एंड आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस इंटरनेशनली चल रहा होता है, ठीक है, यानी कि जिसको हम इंटरनेशनल या फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। सो इन दिस कंडीशन यू हैव टू मेक अ प्रॉपर कम्युनिकेशन विद योर बायर्स ऑल्सो, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस योर कम्युनिकेशन, जो आपके कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, और किस तरीके से आप उन बैरियर्स को रिड्यूस कर सकते हो, ताकि आप एक्सटर्नल पार्टी के साथ भी प्रॉपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हुए अपने बिजनेस को प्रॉपरली रन कर सको, ठीक है। सो दैट टाइम वी हैव टू फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड व्हाट टू डू ड्यूरिंग द इंटरनेशनल सिचुएशंस कम्युनिकेशन बिटवीन द एक्सटर्नल पार्टी। फर्स्ट वन इज क्लियर, स्पीक क्लियरली। अब ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, व्हाट टू डू, दीज पॉइंट्स वी हैव टू फॉलो बिकॉज there is a huge there is a number of difference between the one person who belong to one country and the other person who belong to other country. Some barriers arise just because of cultural difference, ठीक है, cultural differences की वजह से, language problem की वजह से, क्योंकि दोनों country की अलग अलग language है, उनके cultures अलग हैं, उनके values beliefs अलग हैं, ठीक है,
उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेशन इन द लैंग्वेज एंड द स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन. सो दीज प्रिंसिपल्स प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल सो दैट यू कैन मेक योर पार्टीज मोर और मोर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, स्पीक क्लियरली, क्लियरली स्पीक करिए, स्पीक स्लोली, स्लोली बोलिए, धीरे बोलिए. ठीक है, यूज वेरिफिकेशन लूप्स, वेरिफिकेशन लूप्स आपको यूज करने चाहिए. राइट अनफैमिलियर नेम्स, यूज मीनिंगफुल टेम्पो एंड द इंटोनेशंस. ठीक है, प्रोवाइडिंग साइन पोस्ट अलॉन्ग विद द अलॉन्ग द वे एंड बी सिंसियर. तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में. आइए आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि है व्हाट नॉट टू डू व्हेनेवर यू कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल पार्टी एन एक्सटर्नल पर्सन हु बिलोंग टू अदर कंट्री और नेशंस. व्हाट शुड यू डू, व्हाट मस्ट यू डू. ओके, सो फर्स्ट वन इज व्हाट नॉट टू डू, क्या हमें नहीं करना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट है अवॉइड स्लैंग, आपको स्लैंग अवॉइड करना. So now first one is avoid slang. Whenever you communicate with the external party, you avoid the slang. During the communication, आपको क्या करना है, स्लैंग को अवॉइड करना है. स्लैंग मीन्स न्यू बिजनेस वर्ड. द पर्सन हु इज नॉट बिलोंग टू योर कंट्री एंड नॉट अवेयर अबाउट योर कल्चर दैट टाइम ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट योर स्लैंग वर्ड्स विच इज मस्ट वेरी मच पॉपुलर इन योर कंट्री. ओके, तो इस तरीके से कुछ बिजनेस वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो करंट सिचुएशन, बिजनेस सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं. ठीक है, आपकी कंट्री में वो पॉपुलराइज है, कम्युनिकेट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अदर कंट्री का पर्सन भी उसको अंडरस्टैंड कर लेगा. सो इस तरीके के वर्ड्स यूज नहीं करने हैं जो कि करंटली पॉपुलराइज हुए हैं. ठीक है, एक जो कॉमन बिजनेस स्टैंडर्ड है, कंटेंट है, वही आपको यूज करना है. तो फर्स्ट पॉइंट यही है, अवॉइड स्लैंग. सेकेंड वन है अवॉइड idioms. ठीक है, whenever यू कम्युनिकेट विद your एक्सटर्नल पार्टी, सिंपली यू हैव टू मेक अ प्रॉपर कम्युनिकेशन. कंटेंट यू हैव टू हैव, यू विल डिसाइड दैट कंटेंट मस्ट बी प्रॉपर एंड कंसाइज एंड सिंपली सिंपल वर्ड्स यू विल सिलेक्ट, सो कैन यूर पार्टी कैन इजली अंडरस्टैंड यू योर मैसेज इन द सेम इंटेंशन. ठीक है, जो इंटेंशन आपकी है उसी इंटेंशन में वो मैसेज को समझ लें. Now you have a proper knowledge about the idioms, it is not ensure that the other persons को भी उसके बारे में proper बताओ. ठीक है, तो इस तरीके से idioms भी use नहीं करनी है. ये भी एक proper factor है जो हमारे business, जो हमारे communication को influence करता है. उसके बाद है avoid contractions. Contraction means many time communicator or speaker use the words can or can't. ठीक है, so whenever you communicate and use these kind of words, speak loudly and clearly. ठीक है, वैसे तो ये word use करनी ही नहीं चाहिए. अगर आप किसी चीज के लिए agree हो तो आप उसको clearly बोलना है, I am agree. ठीक है, अगर agree नहीं हो, not, अगर आप कोई negative statement use कर रहे हो तो उसमें आपको properly not use करना है. ऐसा नहीं है कि doesn't बोलते हैं जैसे कि, या फिर can't बोल देते हैं. ठीक है, तो इस तरीके के word भी use नहीं करनी है. That is also very important factor of business relations. Next one है avoid double negatives. ठीक है, many times speaker use the words in the different way. If someone is asking to you people about the some topics and you said this topic I have read but still I am not able to speak and say something about this topic. तो इस तरीके से एक पूरा wrong, एक तरीके से long statement आपको use नहीं करना है. Simply you should say I don't know. Okay? तो इस तरीके से आपको communication को proceed करना है. जैसे कि interviewer होता है, अगर आप interviewer आपसे कोई भी question put up कर रहा है, अगर आपको उसका reply नहीं आता है, आपको नहीं पता है उसके बारे में, then simply that time for the effectiveness of your communication process you have to say I don't know. agar aap isko thoda ghuma ke kahoge to it will create a wrong impact
फॉर योर कंपनी, योर इंटरव्यू प्रोसेस और द इंटरव्यूअर, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सिचुएशन कि जब भी कोई भी कम्युनिकेशन चल रहा है अवॉइड डबल नेगेटिव्स, ठीक है, डबल नेगेटिव्स यूज़ नहीं करने हैं। जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन तो उसको क्लियरली आपको कहना है यू एग्री और यू आर नॉट एग्री। इफ़ यू आर नॉट एग्री सेट तो उसको घुमा के नहीं बोलना है आपको कि भाई आप उसका एक कारण भी बता रहे हो और उसके बाद जाके फिर कह रहे हो आई डोंट नो। सिंपली यू हैव टू से आई डोंट नो। नेक्स्ट वन है अवॉइड अंडर स्टेटमेंट। ओके, इफ यू आर एक्सपर्ट अ पर्टिकुलर फील्ड दैट टाइम नॉट यूज यूर एक्सपर्टाइज इंफॉर्मेशन या एक्सपर्टाइज वे इन द फ्रंट ऑफ द अदर्स। यू आर एक्सपर्टाइज फॉर अ पर्टिकुलर पोजिशन और पर्टिकुलर एरिया, एवरी पर्सन इज नॉट एक्सपर्टाइज। सो दैट टाइम यू हैव टू मेक अ प्रॉपर एंड सिंपल कम्युनिकेशन प्रोसेस ताकि अदर पार्टी उसको अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। समटाइम्स सम स्पीकर्स शो देयर सेल्फ एज अ वेरी एक्सपर्ट इन द पर्टिकुलर फील्ड और द पर्टिकुलर लैंग्वेज बट ही एंड शी इज नॉट अवेयर अबाउट द सिचुएशन ऑफ अदर पर्सन कि भी वो भी उस चीज़ में एक्सपर्ट है या नहीं। जैसे कि स्पीकर्स अपनी एक्सपर्टनेस को शो करने के लिए इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा है बट स्पीकर मस्ट नो अबाउट वट इज द वे एंड द एरिया इंटरेस्ट ऑफ द लिसनर्स ऑल्सो ताकि कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन सके और कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। अवॉइड कर्स वर्ड मे अफेक्ट बिजनेस रिलेशंस, ठीक है। तो कर्स वर्ड आपको यूज नहीं करनी है। कर्स वर्ड क्या होता है, कहीं ना कहीं बिजनेस रिलेशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि कुछ फनी तरीके से आप कोई इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हो या फिर वेन एवर यू कम्युनिकेट यूर बॉडी जेस्चर पोस्चर चेंज, ठीक है, एंड डू समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट और द फनीएस्ट। तो इस तरीके के आपको यूज नहीं करनी है। बी केयरफुल अबाउट द ह्यूमर, जोक ड्यूरिंग कम्युनिकेशन नहीं करना है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से कोई जोकिंग कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे भी पड़ता है। इट विल ऑल्सो सफर योर ऑर्गेनाइजेशन गुडविल एंड द मार्केट रेपुटेशन ऑल्सो, ठीक है। डोंट स्पीक लाउडली, लाउडली स्पीक नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई मैसेज या किसी सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपरली पता है तो आप उसको चीख चीख के बोल रहे हैं या फिर बहुत लाउडली उसको स्पीक कर रहे हैं। यू हैव टू मेंटेन योर वॉइस वॉल्यूम एंड द पिच अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस कि कितनी ऑडियंस है उसके हिसाब से आपको अपनी वॉल्यूम को एक स्टैंडर्ड पे लाके उस हिसाब से कम्युनिकेट करना है, ठीक है। और डोंट यूज एनीथिंग, ठीक है, सॉरी डोंट अज्यूम एनीथिंग रॉन्ग अजम्पशन अबाउट अदर वन, ही डोंट नो अवर लैंग्वेज, ठीक है। बिकॉज मैनी पर्सन्स travel here and there and they have proper idea and knowledge about the culture, language of the other countries also. So, आपको इस तरीके का मिथ अपने माइंड में नहीं मेकअप करना है कि भाई ये बंदा ये नहीं जानता होगा तो इसके सामने मैं किसी भी तरीके से उस बात को मोल्ड अप कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके के assumptions अपने माइंड में नहीं बनानी है। अगर आप 50 लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एवरी पर्सन इज नॉट अवेयर अबाउट यू और यूर कल्चर यूर लैंग्वेज, ठीक है। उन 50 में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके कल्चर्स को, आपकी लैंग्वेज को, आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन को, आपकी बिजनेस प्रैक्टिसेस को बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे थे व्हाट नॉट टू डूस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि इंटरनेशनल सिचुएशंस में ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस। व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए और व्हाट नॉट टू डू ड्यूरिंग द इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सिचुएशंस। ओके, सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट इन दिस पॉइंट देन यू कैन अगेन डिस्कस। ओके, सो आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। तब तक पढ़ते रहिए और किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप दोबारा से पूछ सकते हो। Stay happy, healthy and motivated. Thank you very much.